अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरीके से किसी भी वीडियो जो कि स्क्रीन आपके की रिकॉर्ड की जाती है, या आप किसी किस्म का ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो तो उसमें जो फुटेजेस होती हैं उसे किस तरीके से एडिट किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि जूम किस तरीके से किया जाता है। और ये मैं बताता चलूँ कि ये कैमटासिया स्टूडियो 6 है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमारा फोकस होगा इसमें चंद चीजों पर जो कि मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपकी जो भी मीडिया है, जो भी आपकी फाइल है, वीडियो फुटेज, ये मैंने एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था तो उसकी फुटेज यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर इस टाइमलाइन में ड्रैग कर लें। तो ये जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये इस तरह फोल्डर आ जाएगा कि कौन सी हम फुटेज इसको कितना रखना चाहते हैं। तो हम HD पर सेलेक्ट करेंगे जैसे आपकी जरूरत है। ये करने के बाद अब सबसे पहले हम करना चाहते हैं कि हमारी अभी जो वॉइस है वो बहुत स्लो है, तो हम पहले सुनते हैं क्या हिसाब किताब। ये तो आपको आ भी नहीं रही होगी, मैं फुल वॉल्यूम करता हूँ। मेरा एक माइक माइक की वजह से इसमें साउंड, बहरहाल इसमें वॉल्यूम मेरा बहुत कम है, यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये करने के लिए आपको वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पर देखें इस बटन को, ऑडियो एनहेंसमेंट। ऑडियो एनहेंसमेंट से करने से पहले हम ऑटोमेटिकली ट्राई डिटेक्ट नॉइस ऑन टाइमलाइन। अगर यहाँ पर कोई नॉइस है तो हम उसको डिटेक्ट करने के बाद क्लीन कर दें। ये बटन हम जब क्लीन करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने नॉइस देखी, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पर जब हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो यहाँ पर इवन आउट वॉल्यूम लेवल पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली इसने हाई वॉल्यूम पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि मीडियम पर इसको रखें या हाई पर, मैं चाहता हूँ मैं हाई पे रखूँ। ये करने के बाद आप यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद यहाँ पर दोबारा आप वापस आए और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें चंद एरिया, जैसे ये जब मैंने फुटेज चलाई, After the हाँ zoom and report, तो alignment अब ये जो पैनल, ये जो बॉक्स आया है, मैं चाहता हूँ इसको मैं जूम करके देखूं। तो यहाँ पर जो ये बटन है जूम इन, हाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये स्केल है, स्केल के जरिए से आपको ये देखें इस तरह जब आप लेंगे ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, फिर आप उसको तो ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये एरिया आपका जूम हो गया। अब हम कितना चाहते हैं ये करने के बाद आप इसको प्ले करें। एक बैक्टीरिया और आपकी जितनी भी वीडियो फुटेज है, आप जितनी टाइमिंग के हिसाब से आप अपने टाइमिंग यहाँ सेट कर लें, ये जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि नॉर्मली जो बिल्ट इन होती है 30 सेकंड होती है, ये मिनट है। तो ये जब आपने इतना करने के बाद हमने जितनी चाहिए हमें उतना रखने के बाद इसको यहां से फिनिश कर दें। अब दोबारा इसको देखते हैं। इन कंपोजिशन पे क्लिक करें और मैंने यहाँ पर ये टाइम देखें, एक ये यहां बैक्टीरिया से और जूम हो गया। आपकी जितनी ये बहुत ही आसान तरीका है इसका जूम करने का। और इसके साथ और क्या करना चाहते हैं अभी, जैसे मैं क्योंकि उर्दू में ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब आप चाहते हैं कि जो इसमें सब टाइटल साथ में हो उसके लिए आप सब टाइटल टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपली आपको इतनी लंबी टाइपिंग या देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कैप्शन में जाइए, कैप्शन के बटन पे क्लिक करें। और अब यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं यहाँ से, ये यहां से हमने जब प्ले करके देखते हैं पहले, पोस्ट करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर ये कंपोजिशन देख कंपोजिशन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये चीज हमने अब समझ ले, हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई आए, तो ये कैप्शन भी कहलाता है, सबटाइटल भी कहलाता है। तो यहाँ पर अब आप लिखे हैं कि क्लिक ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन देखें ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको आप प्ले करें सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिशन मिल जाए, नेम कंपोजिशन पे क्लिक करें। और इतना करने के बाद
आप यहाँ पर इसको ऐड कर दें, तो ये इतने एरिया में ऐड हो गया। तो ये फिर यहाँ पर आपने जब सेकंड क्या था, कंपोजिशन, हमने यहाँ पर आफ्टर क्लिक ऑन न्यू कंपोजिशन, ये करने के बाद अब और चलाइए। मैंने यहाँ पर टाइमिंग 1 सेकंड और आपकी जितने भी वीडियो फुटेज है आप अब हम चाहते हैं ये इधर तक ही लिखा हुआ आए, तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करें, ऐड कर दें, अब आप जो फुटेज है चलने दें, टाइमिंग के हिसाब से। इस तरह करते रहें, ओके कर दें। और इसी तरह आप आगे ड्रैग करते रहें जितना एरिया आपको, ये सबसे जो सबटाइटल देने का बहुत ही आसान तरीका इसमें दिया गया है। इस तरीके ये तरीका इसलिए मैं आसान कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी और सॉफ्टवेयर वगैरह में के जहां पर इस तरह की ना, इस तरह के आसानी के साथ टाइमिंग भी दी गई है कि फुटेज कहाँ से कहाँ तक है। आप उसको सुनने के बाद तो हम सेट कर सकते इसकी हैं, वैल्यू को सुनने के बढ़ा बाद अब करके आपको आगे पता है कि यहाँ से इसके आगे नीचे तक, चले ये जाएंगे। और आपको मालूम है कि यहाँ से ये देखिए टाइमिंग जो, अब जब हम इसके ऊपर हैंड लेके जाते हैं तो टाइमिंग इसके ऊपर लिखी हुई आ रही है, और 1 मिनट 13 सेकंड 23 23 जो उसके मतलब बच्चे हैं बाद में कहता हूँ। तो ये जब आपके पास आ गई तो आप अब आप इसी तरह सेटिंग से बात बात भी करते जाएं और साथ में इसकी सेटिंग भी करते जाएं, उसको यहाँ पर फिनिश कर दें। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पर वॉइस नरेशन बताने के लिए आपको किया था, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो आपको अगर मजीद इसमें कोई मतलब एडिशन करना हो तो आप इसमें कैमतासिया स्टूडियो अपने पास पहले सबसे पहले इंस्टॉल कर लें, और अगर आपके पास फाइल इसके पास इंस्टॉलेशन की नहीं मिल रही तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर अपलोड कर दूंगा कहीं पर भी। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा।